पहले वनडे में भारत ने जिम्बाब्वे को हराया। 3 मैच की सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। शिखर धवन ने भी ठोकी हाफ सेंचुरी। गिल ने भी मार मार के खोला धागा। भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को टीम इंडिया ने 10 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली। इस मैच में टीम इंडिया की जीत के हीरो रहे शुभमन गिल, शिखर धवन, दीपक चाहर, अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने दर्ज की 10 विकेट की शानदार जीत। भारत ने चुनी पहले गेंदबाजी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान लोकेश राहुल के इस फैसले को सही साबित किया भारतीय गेंदबाजों ने। भारतीय गेंदबाजों ने जिम्बाब्वे की पूरी टीम को सिर्फ 189 रनों पर समेट दिया। भारत की तरफ से लंबे समय के बाद वापसी कर रहे दीपक चाहर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए शुरुआती 3 विकेट लेकर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी। चाहर ने इस मैच में 27 रन देकर 3 विकेट चटकाए। दीपक चाहर के अलावा अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 3-3 विकेट चटकाए और जिम्बाब्वे की टीम को ऑल आउट करने में अहम किरदार निभाया। इसके बाद टीम इंडिया 190 रनों के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मैदान पर उतरी। गिल और धवन ने लगाई जिम्बाब्वे की क्लास। भारत की तरफ से शुभमन गिल और शिखर धवन की जोड़ी मैदान पर उतरी। 190 रनों का लक्ष्य बड़ा नहीं था, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बड़े इरादे लेकर मैदान पर उतरे थे। गिल और धवन की जोड़ी ने मैदान पर आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़े बड़े शॉट्स लगाए और जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाए। जिम्बाब्वे के गेंदबाज भारत का एक भी विकेट नहीं ले पाए और भारत के दोनों ओपनर्स ने अर्धशतक लगाए। भारत ने 31वें ओवर में ही 192 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। टीम इंडिया की तरफ से शुभमन गिल ने 82 रन बनाए तो वहीं शिखर धवन ने भी नॉट आउट 81 रनों की पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिला दी। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने इस मुकाबले में नॉट आउट 82 रन बनाए, वो भी सिर्फ 72 गेंदों में। इस दौरान उनके बल्ले से 10 चौके और 1 छक्का भी निकला। गिल ने तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई, वहीं दूसरे छोर पर शिखर धवन ने भी जमकर रन बनाए। धवन ने इस मुकाबले में 113 गेंदों में नॉट आउट 81 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 9 चौके भी लगाए। और इस तरीके से टीम इंडिया ने पहले वनडे मैच में जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, टीम इंडिया ने पहला मुकाबला 10 विकेट से जीत लिया है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया इस सीरीज के सभी मुकाबले जीत पाएगी? क्या टीम इंडिया इस सीरीज में जिम्बाब्वे का क्लीन स्वीप कर पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही साथ ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।